वेलकम इन ऑनलाइन बुक। ऑनलाइन बुक में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती निकली है, इसके रिगार्डिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन है 3 सितंबर 2021 का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपडेट देयर ओन वन टाइम रजिस्ट्रेशन बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपडेट करें। ठीक है, ये जो होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म होगा अवेलेबल 8 सितंबर 2021 से। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन है 7 अक्टूबर 2021। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की। तो मिनिमम एज जो होना चाहिए विथ रेफरेंस टू 1 जनवरी 2021। अब ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट्स कैन एडिट सम ऑफ फील्ड्स इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 11th अक्टूबर 2021 से 13 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डिटेल्स ऑफ पोस्ट विद कैटेगरी वाइज ब्रेकअप इज गिवन बिलो। तो देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए। मैथमेटिक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 पोस्ट के लिए निकला है, बायोकेमिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट के लिए होता है, इन्वायरमेंट साइंस के लिए 15 है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही वैकेंसी निकली हुई है, सारे के सारे ग्रेड के लिए है, सारे के सारे फील्ड के लिए है। टोटल 173 वैकेंसी निकली है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लोगों को ये पता नहीं चल पाता है वैकेंसीज के बारे में। तो आप, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप जाएं और अभी ही फॉर्म फिलअप करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विथ 55% इन एनी कंसर्न यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बीबीए और एमबीए मैनेजमेंट की मास्टर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट एंड कॉस्ट वर्क अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एज की। तो एज यहाँ ओएम के लिए है, एज लिमिट 40 है, 43 है इन सारे पोस्ट के लिए, और इन सर्विस गवर्नमेंट ये के लिए 40 एज लिमिट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डोमिसाइल की। तो डोमिसाइल यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप जम्मू एंड कश्मीर का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रिक्विजिट फी क्या। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपीज है और पीएससी कैंडिडेट के लिए नील है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ने का, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से जुड़ने का। ठीक है, आपके पास ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, देखिए परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन इंटरव्यू और वाइवा वॉक, कुछ भी नहीं होने वाला है, बस आपका वाइवा वॉक होने वाला है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं कि ग्रेजुएशन का आपका मार्क्स के आधार पर 15 होगा पॉइंट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन 20, अगर आपके पास 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड ये है। ठीक है, तो 35 पॉइंट्स, इस तरह से पॉइंट्स निर्धारित किए गए। ठीक है, और टोटल 100 पॉइंट्स बनाया गया है। तो क्या होगा कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स जाएंगे अगर वहां पर, तो इसके आधार पर 100 मार्क्स के आधार पर एक लिस्ट तैयार की जाएगी, फाइनल लिस्ट, और उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत लोगों को ये पता नहीं चल पाता है। तो आपको, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप जाएं और
यहाँ पर फॉर्म फिलअप करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप ऑनलाइन एप्लीकेंट्स कैसे एप्लीकेशन कैसे डालें। तो आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक करके आपको फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो ये कंप्लीट डिटेल्स हो गया। आपको क्या कहता है कि 11 से 13 तक आपका मतलब कट ऑफ डेट होगा, ठीक है, एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ठीक है, अब इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऑनलाइन बुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।